तो हेलो फ्रेंड्स, चैनल मुकुल आती है मेकिंग टाइम। अगर आप चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, फटाफट चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कर देना वीडियो भी, वीडियो को कर देना लाइक। तो आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपने यूट्यूब चैनल पे ग्रो कर सकते हैं। वो भी बहुत थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आई थी जब यूट्यूब मेरा अपना चैनल क्रिएट किया था, तो बहुत सी प्रॉब्लम आती थी हमको। जब कुछ पता नहीं होता कि हमें करना क्या है यूट्यूब पे आके, बस हम सोचते वीडियो बनाई बस कर दिया, तो इससे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो हमको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, एक थंबनेल हो गया, टाइटल, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग और भी बहुत सी बेसिक चीज़ें जो हमको करनी पड़ जाती है, जो कि हमको जब न्यू यूट्यूबर होते थे हमको पता नहीं चल पाता कि हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि न्यू यूट्यूबर कैसे ग्रो कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप करा दोगे आज हो जाएंगे 1000 सब्सक्राइब, तो आप 1000 सब्सक्राइबर का एम रखते हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो, तो हम मेटअप प्लान करेंगे फिर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है कैसे ग्रो करें। तो आपको अपने चैनल पे सबसे पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा एक चैनल, जो कि सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, जो कि मैंने अपने यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया था, तो मैंने अभी एक माइक परचेज किया था अमेजोन से, जो कि आप मैं ये सकते हैं यहाँ पे जो माइक था ये मैंने परचेज किया था अमेजोन से, जो कि मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे फ़ोन में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था ये माइक। ये परचेज करने के बाद मेरे फ़ोन में सपोर्ट किया नहीं, तो ये माइक ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े टाइम बाद मैं DSLR परचेज करूँ 200D, जो कि यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा DSLR होता है और वीडियोग्राफी के लिए भी अच्छा है, तो उसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। DSLR में यूज़ हो जाता है ये माइक, जो कि 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने माइक परचेज किया था। और अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पर चैनल कैसे ग्रो करते हैं, फर्स्ट वीडियो मेरी थी दशहरे वाली, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, तो मैंने थोड़े दिन के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। कम से कम एक महीना हो चुका था जो कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी यूट्यूब पर। तो वो करने के बाद फिर मैं धीरे धीरे अपलोड करने लगा, एक दो महीने बाद वीडियो को अपलोड कर करके इसमें भी अच्छे व्यूज नहीं आ पा रहे थे। तो थोड़े दिन बाद स्टूडेंट ऑफ फेयर की शूटिंग स्टार्ट हुई देहरादून में, जो कि FRI में शुरू हुई थी, तो वहाँ की मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पे, तो उसमें थोड़े दिन बाद बहुत अच्छे व्यूज़ आने स्टार्ट हो चुके थे, जो कि व्यूज़ बड़े बहुत अच्छे आए, व्यूज़ और सब्सक्राइबर मेरे को अच्छे से मिल गए। तो मेरे को 3-4 महीने वीडियो रोज जा जाके मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करी, जहाँ शूटिंग हो रही थी स्टूडेंट ऑफ ईयर टू की हाई स्कूल में FRI में, तो वहाँ की मैंने वीडियो रोज़ अपलोड करी। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी थी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ की मैंने वीडियो अपलोड करी, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छे व्यूज़ मिलने लगे। लेकिन मैं करने के बाद वो वीडियो रिव्यूज़ आते गए और उसके अलावा मैंने और वीडियो भी बनाई, तो उस पर व्यूज अच्छे खासे आए थे, मतलब एक दो वीडियो थी जिसपे आ चुके थे और बाकी अच्छे से व्यूज़ आने लगे थे। तो धीरे धीरे करके व्यूज़ आते, क्योंकि आपको अपना कंटेंट नहीं मिल पाता आसानी से। अगर आप न्यू यूट्यूबर होते हैं, जो कि उनको कंटेंट नहीं मिल पाता अच्छे से बनाए क्या, जिससे उनको समझ में नहीं आ पाता कि हम बनाए क्या यूट्यूब पर, जो कि वायरल हो जाए जल्दी से। तो ये वायरल करने के लिए आपको एक कंटेंट चाहिए होता है, बहुत ऐसे ढूंढने के बहुत प्रॉब्लम के बाद मिलता है वो कंटेंट भी, तो वो कुछ आसान बात है वैसे कंटेंट मिल जाना, पर जो ये न्यू यूट्यूबर होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वायरल करने के लिए वीडियो के लिए हमको चाहिए होता है एक टैग, जो कि अपनी वीडियो की यूट्यूब के टैग डालना होता है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है वो थंबनेल का, जो कि थंबनेल जो आपकी वीडियो का थंबनेल दिखता है, तो उसी से हम जो सब्सक्राइबर होते जो पब्लिक होती है उसी को देख के क्लिक करती है हमारी वीडियो पे। तो थंबनेल अच्छा बनाए कंटेंट के हिसाब से, जैसे कंटेंट है वैसे थंबनेल बनाए, ये नहीं कि आप कंटेंट कुछ और बना रहे हो और थंबनेल आप कुछ और बना रहे हो, तो इससे फ़ायदा आपको कुछ होने नहीं वाला, तो आप इसलिए वही बनाएं। जैसे कि आप कंटेंट भी कुछ और बनाएंगे और थंबनेल कुछ और डालेंगे, पहले से पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि इस वीडियो में है क्या, जो थंबनेल पे लिखा होगा वही लगे कि हाँ इस थंबनेल में ये, जब वीडियो खोल के देखेंगे तो बाद में हमको बाद में वो चीज़ होगा
कंटेंट थंबनेल में कुछ और वीडियो में कंटेंट में और कुछ और, तो वीडियो को अनलाइक कर देगा और वीडियो को इसलिए छोड़ के चल जाएगा, जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, वॉच टाइम आपको जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपको वॉच टाइम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत पैशन, मैं जब यूट्यूब पर अपने चैनल खोला था तो मैं पैसे के लिए नहीं आया था कि यूट्यूब से मैं पैसे कमाऊँगा, बस सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए आया था, क्योंकि मेरा पैशन था कि यूट्यूब पे आने से अपनी वीडियो अपलोड करूँ, जो कि अपनी फेम बनाना चाहते हैं हर कोई, यूट्यूब पे आना फेम होता है, जो कि मैंने भी यही सोचा था फेम बनाऊंगा, अपना पैशन था, तो मैंने भी वीडियो अपलोड करते गया, अब अच्छे सब्सक्राइबर थोड़े बहुत मिल रहे हैं मेरे को अभी तक, जो कि आज तक की वीडियो शूट हो रही है, लाइव के फ़ोन से शूट हुई है आज तक की वीडियो, एडिटिंग सब कुछ इसी फ़ोन से हुआ है। तो आप भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले आप फ़ोन से शूट करें, जितने अच्छे सब्सक्राइबर का कंटेंट अच्छा बनाए तो आपको फ़ोन से भी अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ DSLR की, तो DSLR अगर आपको परचेज़ करना है तो आप थोड़े अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएं, ग्रो करने लगे चैनल, तो जब भी आप DSLR परचेज़ करें वो भी 200D करें। बाकी अगर आपको उसके बारे में फ्यूचर पता करने हैं तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको फ्यूचर बता दूंगा 200D में आपको क्या क्या यूट्यूब के लिए फ्यूचर मिल जाएंगे, वीडियोग्राफी के लिए तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर मैं आपसे दूसरी बात करूँ कि ग्रो कैसे करते हैं चैनल को, तो आपको अपना टैग डालें, अच्छे अच्छे टाइटल डालें, थंबनेल डालें, और फिर थोड़ा वो करें, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, तो इसलिए आप धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने पे, ये ना सोचे कि आपका व्यूज़ अच्छा आ नहीं रहे, कंटेंट में आपको कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, तो ये ना सोचा कि जो यूट्यूब का चैनल है वो डिलीट कर दे, तो डिलीट ना करें, कंटेंट अच्छा अच्छा बनाते रहें और ग्रो करते रहें चैनल पे। तो इस चैनल को भी ग्रो करवाओ फटाफट से, 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, फिर मेटअप प्लान करते हैं। तो DSLR में परचेज करने वाला हूँ, तो करते हैं जल्दी से मेटअप प्लान, तो आप फटाफट से कर लेना। चलो चलिए, इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब होना चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, और कर देना वीडियो को भी लाइक।